हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जीके एंड टुडेज़ टॉपिक इज फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश वर्ड एंड ग्रामर पावर. सो हियर वी स्टार्ट विथ दिस दीज लैंग्वेजेस. लेट्स नो अबाउट दिस. आपका स्वागत है जीके की क्लास में और आज हम लोग जानेंगे फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश शब्दों के बारे में. फ्रेंच इज़ अ रोमांटिक लैंग्वेज. फ्रेंच को या फ्रेंच भाषा जो है उसको रोमांटिक भाषा भी कहा जाता है. बिलोंगिंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली. ये इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है. फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्तुगीज एक्सेट्रा डिसेंडेड फ्रॉम द स्पोकन लैटिन लैंग्वेज ऑफ रोमन एम्पायर. ये जितनी भी भाषाएं हैं, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं जो हैं इनके वंशज जो हैं ये असल में रोमन एम्पायर के समय के लैटिन इंग्लिश से निकले हुए हैं. फ्रेंच इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश. अंग्रेज़ी भाषा के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है ये इटालियन है ना. नहीं सॉरी, फ्रेंच भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश के बाद. इन फैक्ट इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 29 कंट्रीज. आपको बताएं कि ये 29 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है. इटालियन स्पोकन बाय अराउंड 60 मिलियन पीपल. करीब 6 करोड़ लोगों के द्वारा जो है ये बोला जाता है इस भाषा को. अप्रॉक्सीमेटली 470 मिलियन पीपल स्पीक्स स्पेनिश एज ए नेटिव लैंग्वेज. और 470 मिलियन पीपल, करीब करोड़ों से ज़्यादा, अरबों लोग जो हैं इसकी जो देसी भाषा जो है स्पेनिश इसको बोलते हैं. राइट द करेक्ट वर्ड इन ईच कॉलम. हर कॉलम में आपने देख रहे हैं आपके पेज पर दिया हुआ बुक में कि हर कॉलम में अलग अलग भाषाओं से संबंधित चीज़ें लिखी हुई हैं. जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको भरना है विद द हेल्प ऑफ द क्लू. और हमने अब तो आपके लिए भर ही दिया है. आइए जाने. गुड मॉर्निंग. अगर आप सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं तो फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? बॉनजोर. इटालियन में बियोन ग्योर्नो. और स्पेनिश में ब्योनस डायस. गुड आफ्टरनून. जब आप कई बार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टीचर्स करते हैं और अचानक से किसी टीचर से या अपने मम्मी से या पापा से या बड़े भाई या दीदी से आप बोलें तो गुड मॉर्निंग कैसे, सॉरी गुड आफ्टरनून कैसे बोलेंगे फ्रेंच भाषा में? बैन ऑप्रेस मिडी. ये सुन करके थोड़ा सा चौंकेंगे लेकिन ये फ्रेंच भाषा का गुड आफ्टरनून है. इसी को इटालियन में बोलेंगे तो बियोन पोमेरिजियो और स्पेनिश में ब्यूनस टार्डेस. फिर अब आप गुड इवनिंग कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? बॉनसॉयर. इटालियन ब्योनोसेरा या सेरा. ये और स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? ब्योनास टार्डेस. गुड नाइट. गुड नाइट कैसे करेंगे? गुड नाइट आप फ्रेंच में करेंगे बोने नुइट. इटालियन भाषा में ब्योनो नोटे या नोटे. और स्पेनिश में ब्योनास नोचेस. हेलो. हेलो करना हो किसी को तो आप कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? बॉनजोर. आप गुड मॉर्निंग और हेलो दोनों के लिए एक ही वर्ड है बॉनजोर. इटालियन में कैसे बोलेंगे? सल्वे सियाओ. और स्पेनिश में होला. हाय या बाय को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? सालूट या सियाओ. इटालियन में सियाओ और स्पेनिश में चाओ. इंग्लिश में अगर आप गुड बाय करते हैं तो फ्रेंच में आप करेंगे आयो रिवॉयर. इटालियन में करेंगे एरी वर्डर्सी. और स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? आडियोस. आपको अगर गुड बाय सॉरी प्लीज़ बोलना हो स्पेनिश में तो आप कैसे बोलेंगे? तो पहले फ्रेंच में कैसे बोलेंगे प्लीज़ को? सिल्वाओस प्लाइट. इटालियन में पर फावोर फावोरे.
और स्पेनिश में पॉर फॉवेर ओ फेवर, ये सब अद्भुत भाषाएं हैं। ओके कम टू द नेक्स्ट, नाइन्थ में सॉरी थैंक यू कैसे बोलेंगे आप स्पेनिश में, तो पहले देख लो फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, मर्सी, इटालियन में ग्राजी और स्पेनिश में ग्रासियस। ओके ओके को कैसे बोलते हैं फ्रेंच में, कॉमेसी, इटालियन में कोसी कोसी और स्पेनिश में आसी आसी। ओके कम टू द इंग्लिश, हम इंग्लिश में हमको अगर बैड सॉरी फ्रेंच भाषा में मेल, इटालियन में माले और फिर स्पेनिश में मेल, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बैड, ये जो बैड भाषा की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ओके कम टू द नेक्स्ट, फ्रेंच में इसको बोलते हैं यस को बोलते हैं उई, इटालियन में बोलते हैं सी और स्पेनिश में बोलते हैं सी। नो को कैसे बोलते हैं, नो को बोलते हैं फ्रेंच में नॉन, इटालियन में नो और स्पेनिश में भी नो। ओके सो ओके को कैसे बोलते हैं, डेकॉर्ड, फ्रेंच में डेकॉर्ड, इटालियन में डेकॉर्ड सॉरी डेकॉर्डो और स्पेनिश में वेले। थैंक यू वेरी मच को कैसे बोलेंगे फ्रेंच में, मर्सी ब्योकॉप, इटालियन में ग्राजी मिले और स्पेनिश में मुकास ग्रासियस। यू आर वेलकम को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, डी रियन, इटालियन में प्रोगो या डी नाइन्टे और स्पेनिश में डी नाडा। डोंट मेंशन इट इसको कैसे बोलेंगे इस फ्रेंच में, इट नाई अ पास डी क्वी। ओके और इसको बोलेंगे स्पेनिश में कैसे बोलेंगे, नो हे डी क्यू। ओके हाउ आर यू कैसे हैं आप इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंच में, का वा। ओके जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना जो भोजपुरी में बोलते हैं का वा, तो ये फ्रेंच में है का वा। ओके ये इटालियन में कैसे होगा, कम स्टाई और स्पेनिश में कैसे होगा, ये होगा कोमो एस्टास। आई एम फाइन मैं ठीक हूँ कैसे होगा इसका फ्रेंच, जे वाइस बेन स्टोबेनी एस सॉरी स्टोबेनी जो है इटालियन है और स्पेनिश वर्ड एस्टॉय बियन। वेरी वेल बहुत अच्छा, इसकी जो है फ्रेंच भाषा क्या होगी, ट्रेस बियन स्पेनिश सॉरी इटालियन अबास्टेंजा बेने और स्पेनिश कैसे होगा, मुआ बियन। ओके लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर पावर। ग्रामर पावर क्या है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज इन लैंग्वेज। इसमें ग्रामर में हम जानते हैं कि कैसे हम भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं सेट्स बना के। ईच लैंग्वेज हैज़ इट ओन डिस्टिंक्ट ग्रामर, हर एक भाषा की अपनी एक व्याकरण या ग्रामर होता है। टिक द एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंसेस, हर सेंटेंस में जो है जो बोल्ड वाला जो है वर्ड, यहाँ पे देखिए पहले वाले में है बोल्ड वर्ड, इसको आपको इसको लिखना है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए उसका सब लिखना है, ठीक है। मैनी रिएक्शंस टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस साइमल्टेनियसली एंड द आंसर इज सी सेपरेटली। Miscellaneous items were discussed at the meeting. So the answer is A. Single. He has been acquitted of the charge of theft. Answer is B. Convicted. It is surprising to find her condoning such as an act, and the answer is B. Condemning. His frivolous remarks provoked no comments, and the answer is A. Serious. Come to the B now.
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, जो आपको जो यहाँ पे इस तरफ जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो आई हैव डन दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस होगा. दिस वर्क हैज़ डन बाई मी. ओके, सेकेंड, क्लोज द टैप. आंसर इज लेट द टैप बी क्लोज्ड. आई एम रीडिंग दिस बुक एंड द आंसर इज दिस बुक इज बींग रीड बाई मी. समवन एट माई केक एंड द आंसर इज माई केक वॉज ईटन बाई समवन. ही ईट्स फ्रूट्स डेली एंड द आंसर इज फ्रूट्स आर ईटन बाई हिम डेली. कम टू द लास्ट सी पार्ट. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू एक्टिव वॉइस. जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. ही हैड बीन हिट बाई अ कार. अ कार हैड हिट हिम. यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग एंड द आंसर इज प्लीज सिंग अ सॉन्ग. ही इज चेक्ड बाई हिज डॉक्टर डेली एंड द आंसर इज हिज डॉक्टर चेक्स हिम डेली. He is being followed. Answer is someone is following him. She had been chosen the best girl. And the answer is the jury had chosen her the best girl. So that's all from today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.